हेलो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ योर ट्यूटर. यस, योर ट्यूटर बजरंग अग्रवाल. और आज मेरे साथ स्टूडियो में है एक बहुत ही प्यारा स्टूडेंट जिसका नाम है लव गर्ग. हेलो लव, हाउ आर यू? तो आर यू रेडी? सो क्लास फोर साइंस ICSE स्टूडेंट्स. सो ICSE स्टूडेंट्स, आपके पास जो सिलेबस है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ. ICSE स्टूडेंट्स, फूड वी ईट, द टीथ, digestive and excretory systems, parts of a plant and the uses, adaptations in plants, adaptation in animals, air, materials and solutions, light, measurement, push and pull and friction. So before we move forward, पेरेंट्स को मैं बताना चाहता हूँ कि भाई हमारा पैटर्न ऑफ स्टडीज़ क्या रहेगा. ठीक है, देखो दोस्तों, ऐसा है कि जो बच्चे होते हैं ना, छोटे बच्चे, मैक्सिमम बच्चों को इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है. हम लोग बहुत खुशी खुशी इंग्लिश मीडियम स्कूल्स में भेजते हैं. जब टेक्स्ट बुक से पढ़ने की बात होती है सो कई बार ऐसा होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज उन्हें नहीं समझ में आता है और हम लोग कोशिश करते हैं कि उनको रटा दें. तो ये अगर हम समझाते हुए चलेंगे तो रटाना नहीं पड़ेगा. तो यही प्रयत्न है आज कि उनको एक एक वर्ड पहले समझाएंगे. तो मेरे लेक्चर्स जो बनेंगे वो हिंदी में बनेंगे और इंग्लिश में भी बनेंगे, क्योंकि कई पेरेंट्स को ऐसा लगता है कि अगर ये सिर्फ हिंदी में सर पढ़ाएंगे तो मेरा बच्चा का इंग्लिश कमज़ोर हो जाएगा. सो वी आर रिकॉर्डिंग द सेम लेक्चर इन हिंदी एज वेल एज इन इंग्लिश. तो बच्चा क्या कर सकता है, पहले अगर चाहे तो हिंदी में समझ ले, फर्स्ट रिवीजन जो उसे करना है वो उसी लेक्चर को इंग्लिश में कर ले. उससे क्या है, उसे हिंदी में समझ में आ गया, इंग्लिश उसका मजबूत हो गया, लिखने के लिए एग्जामिनेशन पे इंग्लिश का भी उसका पकड़ मजबूत हो जाता है. सो टुडे वी विल स्टार्ट विद द फर्स्ट चैप्टर, फूड वी ईट. सो लव, आर यू रेडी? दैट्स नाइस. सो फूड वी ईट, वी आर यूजिंग प्रिस्क्राइब्ड टेक्स्ट बुक ऑफ ICSE एज आर गाइडलाइंस, जो स्कूल के टेक्स्ट बुक्स होते हैं, और उसी के साथ हम लैंग्वेज को ध्यान रखते हुए पकड़ के हुए चलेंगे कि भाई लैंग्वेज इम्पॉर्टेंट है. चलो स्टार्ट करते हैं. चैप्टर का नाम है फूड वी ईट. आइए देखते हैं. देखो बच्चों, कई बार ऐसा होता है कि हमें पेट में भूख लगती है, गुड़गुड़ 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 पेट करता है. करता है, आपका भी करता है? करता है. ठीक है, आवर बॉडी मेक्स अस फील हंग्री टू टेल अस दैट इट नीड्स फूड. जब भी पेट में भूख लगता है, हंगर हंगर लगता है, तो ऐसा लगता है कि बॉडी बोल रहा है, अरे कुछ खा लो, कुछ खा लो, भूख लग रहा है, भूख लग रहा है. ठीक है, सो अब एक सवाल आता है कि ठीक है, खाना तो खा लेंगे, वाई डज इट नीड फूड? ये जो फूड है वो किसको चाहिए? आपके बॉडी को चाहिए. कि बॉडी में फूड इसलिए चाहिए क्योंकि फूड में प्रोटीन्स होता है, मिनरल्स होता है. चलो अब देखो दोस्त, आवर बॉडी वर्क्स ऑल द टाइम. हर समय आपका बॉडी काम करते रहता है. इट वर्क्स व्हेन वी प्ले. जब आप खेलते हो तो क्या आपका बॉडी काम करता है? बिल्कुल. जब आप खाते हो तो आपका बॉडी काम करता है? जब आप चलते हो तो आपका बॉडी काम करता है? जब आप ब्रीद करते हो, जब आप रन करते हो, हर समय आपका बॉडी कुछ ना कुछ काम कर रहा होता है आपके लिए, क्योंकि हम लोग फूड खाते हैं. बिल्कुल सही. सम ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी कीप वर्किंग इवन व्हेन वी आर स्लीपिंग. जब हम सो रहे होते हैं तभी भी हमारा बॉडी का कुछ ना कोई ऑर्गन काम करता है. आपको पता ऑर्गन का मतलब क्या है? ठीक है, स्टमक एक ऑर्गन है, हैंड एक ऑर्गन है. अब ये तो भाई आगे चल के बताएंगे. वैसे आपका सोच रहे हो, आप अच्छा सोच रहे हो. ठीक है बच्चे, फॉर एग्जाम्पल आर हार्ट्स एंड लंग्स. द हार्ट बीट्स ऑल द टाइम टू पंप ब्लड, द लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रीद. जब आप सो रहे होते हो तभी भी आपका हार्ट काम करता रहता है, आपका हार्ट ब्लड पंप करते रहता है. द लंग्स एक्सपैंड एंड कॉन्ट्रैक्ट टू ब्रीद. एक्सपैंड मतलब लंग्स फैलता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है जिससे आप सांस लेते हो.
अब ये सब सारे काम करने के लिए आपको क्या चाहिए? द बॉडी नीड्स एनर्जी. और ये एनर्जी कहाँ से आता है? ये एनर्जी फूड से आता है. तो कहानी हम लोगों का ये है कि आज का जो चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, चैप्टर का नाम क्या है? फूड वी ईट. तो एक चीज़ तो समझ में आ गया, क्यों फूड चाहिए. फूड क्यों चाहिए? क्योंकि फूड से मिलता है एनर्जी. चलो भैया, बहुत अच्छी बात है. तो खाना खाएंगे तो क्या मिलेगा? एनर्जी. खेलने का एनर्जी, काम करने का एनर्जी, सारा एनर्जी मिलेगा. बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जो मम्मी बोलती खा लो खा लो खा लो, पर वो खाते नहीं हैं. तुम भी वैसे ही बच्चे हो जो खाते नहीं हो. नहीं खाते हो ना? चलो, सो व्हाई वी ईट फूड. अब देखो, ये क्वेश्चन आ सकता है आपके, व्हाई वी ईट फूड. ठीक है, सो व्हाई डू वी ईट फूड का देखो कितना अच्छा अच्छा रीजंस दिखा हुआ है. इट गिव्स अस एनर्जी टू स्टडी प्ले एंड वर्क. ठीक है, तो एनर्जी मिलता है फूड से, और उस एनर्जी से क्या करोगे? स्टडी करोगे. मतलब कभी कभी होता ना, मम्मी मम्मी एकदम ताकत ही नहीं लग रहा है, तो मम्मी बोलती है कि अच्छा अच्छा पढ़ाई जब भी करने बोलते हैं तो ताकत नहीं लगता है, चलो आओ कुछ खिला देते हैं. खा पी कर फिर ताकत आ जाएगा, फिर क्या करना? पढ़ाई करने बैठ जाना. मगर बच्चे आप क्या बोलो, नहीं नहीं हमको नीचे खेलने जाना है, मेरे दोस्त मेरे को बुला रहे हैं. तो आपको खेलने के लिए ज़्यादा एनर्जी चाहिए, आपको खेलने के लिए ज़्यादा मन करता है तो आप खेलने चले जाते हो, कोई बात नहीं. तो स्टडी करने के लिए भी एनर्जी चाहिए तो फूड चाहिए, प्ले के लिए भी फूड चाहिए और वर्क के लिए भी फूड चाहिए. क्लियर? अच्छा, खाना खाने से जो आप छोटे से बच्चे थे, अब आप इतने बड़े बच्चे हो गए, खाना खाते रहते हो तो आप ग्रो करते हो. इट हेल्प्स अस टू स्टे फिट एंड हेल्दी. इट प्रोटेक्ट्स अस अगेंस्ट डिजीजेस. अगर आपको हेल्दी रहना है, फिट रहना है, आप नहीं चाहते हो कि कोई बीमारी आपको लगे, तो भी आपको अच्छा फूड खाना चाहिए. कई बार मम्मी बोलती है जंक फूड मत खाओ, चिप्स मत खाओ, थम्स अप मत पियो, क्योंकि उससे आप हेल्दी नहीं रहोगे. तो हेल्दी फूड क्या होता है वो भी हम आपको बताएंगे. इट हेल्प्स टू रिपेयर. इट मतलब क्या है यहाँ पर? इट मतलब क्या है? फूड. ठीक है, फूड हेल्प्स टू रिपेयर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी. रिपेयर मतलब अगर कोई भी चीज़ खराब हो जाता है तो रिपेयर होता है. तो आपका कभी कभी खेलते खेलते अगर आपको चोट लग जाती है, ठीक है, तो उसका रिपेयरिंग के लिए भी फूड चाहिए. तो ये पिक्चर्स देखिए आप, फूड के कारण ही ये बच्ची पढ़ पा रही है. फूड गिव्स अस एनर्जी टू स्टडी, फूड गिव्स एनर्जी टू प्ले, फूड गिव्स एनर्जी टू वर्क, एंड फूड हेल्प्स अस ग्रो. अभी ये छोटा है बेटा, एक टाइम ऐसा आएगा कि इसका भी हाइट बढ़ के पापा जितना बड़ा हो जाएगा. ठीक है, तो ये ग्रो हो जाएगा. अब आइए देखेंगे कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड. कॉम्पोनेंट्स का मतलब क्या होता है? पहले तो आप ये पूछिए. नहीं, कॉम्पोनेंट्स ऑफ फूड. अब जैसे अगर हम आपको, आप लोग बाइसिकल चलाते हो तो बाइसिकल में एक चक्का पहले आगे में होता है, एक पीछे में होता है, फिर ऐसा होता है, फिर हैंडल होता है. तो कॉम्पोनेंट्स मतलब अलग अलग पार्ट्स. ठीक है, कॉम्पोनेंट्स मतलब अलग अलग पार्ट्स. ठीक है, फूड कंटेन अ वैरायटी ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेस. फूड के अंदर बहुत सारे यूजफुल सब्सटेंसेस होते हैं. बहुत सारे यूजफुल मतलब जो काम का सामान, नॉट वेस्ट. ठीक है, तो फूड मतलब एक यूजफुल चीज है. बहुत सारा क्या क्या है? द सब्सटेंसेस दैट आर नीडेड बाय आवर बॉडी. क्या यूजफुल सब्सटेंसेस? और ये यूजफुल सब्सटेंसेस किसको चाहिए होता है? हम लोगों के बॉडी को चाहिए होता है. क्यों चाहिए होता है? क्योंकि एनर्जी मिलता है, फॉर एनर्जी, फॉर गुड हेल्थ, फॉर प्रॉपर ग्रोथ. और ये जो यूजफुल सब्सटेंस है, पता है उसका क्या नाम है? उसको कहते हैं न्यूट्रिएंट्स. ठीक है, तो फूड के अंदर क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स होता है. ठीक है, ये न्यूट्रिएंट ही हम लोगों को एनर्जी देता है. ये न्यूट्रिएंट ही हम लोगों को एनर्जी देता है. न्यूट्रिएंट से क्या मिलता है? एनर्जी मिलता है. न्यूट्रिएंट से क्या होता है? गुड हेल्थ होता है.
न्यूट्रिएंट से क्या होता है, प्रॉपर ग्रोथ होता है, मतलब हम लोग और हाइट वाइट में बढ़ते हैं, शरीर में बढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो न्यूट्रिएंट्स भी पांच अलग अलग टाइप के होते हैं, देर आर फाइव मेन न्यूट्रिएंट्स, क्या आपको पता है? तो न्यूट्रिएंट नंबर वन इज कार्बोहाइड्रेट्स। अब कौन कौन से फूड होते हैं जिनमें हम लोग खाएंगे तो कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, वो भी हम पढ़ेंगे। न्यूट्रिएंट्स में फैट्स भी न्यूट्रिएंट्स होता है, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो पांच मेन न्यूट्रिएंट्स है, क्या है बताओ? कार्बोहाइड्रेट्स, फैट, प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ठीक है, वेरी गुड। और दो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होते हैं दोस्त, जिसे कहते हैं रफेज एंड वाटर। जो भी हम लोग खाना खाते हैं, फूड खाते हैं, फूड के अंदर भी पानी होता है। एक तो पानी हम लोग ग्लास में पीते हैं, दैट इज प्योर ड्रिंकिंग वाटर, और जो भी खाना खाते हैं, जैसे अगर आप कैरेट खाते हो, कैरेट, गाजर, गाजर के अंदर भी पानी होता है। वाटरमेलन में तो कितना पानी होता है, वाटरमेलन, उसका तो नाम ही वाटरमेलन है, ठीक है, ठीक है। चलो सो कार्बोहाइड्रेट्स क्या क्या फूड में पाए जाते हैं, क्या जानना है आपको? क्योंकि एग्जामिनेशन में पूछ लेते हैं, स्कूल में पूछ लेते हैं, बट ये थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है ना, कि क्यों हम लोगों को याद करना है। मगर आपको मैं एक बात बताता हूँ, अभी आप क्लास फोर के स्टूडेंट हो, ये क्लास फाइव में भी पूछेंगे, क्लास सिक्स में भी पूछेंगे, रिपीट करते जाएंगे, तो आप एक बार समझ लो, हमेशा आपको याद रह जाए, बस ऐसा कुछ कर लेते हैं, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट्स, कार्बोहाइड्रेट्स गिव अस एनर्जी। कार्बोहाइड्रेट्स क्या है? एक न्यूट्रिएंट है, ठीक है, राइट, अभी जस्ट हमने पढ़ा था ना, तो ये न्यूट्रिएंट का क्या काम है? ये हम लोगों को एनर्जी देता है। तो कौन कौन सा फूड है जिसके अंदर कार्बोहाइड्रेट है, ये बताओ, ये अभी अपने पता करते हैं। फूड्स रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, रिच मतलब ऐसा नहीं कि बहुत पैसा वाला होकर हम लोग रिच बोलते हैं ना, ये बहुत पैसा वाला है। तो जब, अच्छा एक बात बताओ, जो बहुत पैसा वाला होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिच इन मनी। अभी हम लोग क्या बोलते हैं? रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स मतलब जिसमें बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स हो, ये बहुत रिच है, इसके बहुत पैसा है, मतलब इसके बहुत मनी है। अभी हम लोग क्या बात कर रहे हैं? बहुत कार्बोहाइड्रेट्स। तो बहुत सारे कार्बोहाइड्रेट्स पता किसमें है? सीरियल्स में है। सीरियल्स किसको बोलते हैं? एक टीवी सीरियल का बात नहीं कर रहे हैं, वो उसका स्पेलिंग होता है SERIAL, ठीक है, वो है टीवी सीरियल। हम टीवी सीरियल का बात नहीं कर रहे, हम सीरियल्स का बात कर रहे हैं, CERIALS, ठीक है। सीरियल्स को कहते हैं राइस, राइस इज अ टाइप ऑफ अ सीरियल, वीट एंड मेज। तो राइस, वीट एंड मेज में क्या है? बहुत सारा कार्बोहाइड्रेट्स। फ्रूट्स में भी कार्बोहाइड्रेट्स है, पोटेटो में भी कार्बोहाइड्रेट्स है, शुगर में भी कार्बोहाइड्रेट्स है, और हनी में भी कार्बोहाइड्रेट्स है, एंड सम सोर्सेज ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। पीपल हु डू अ लॉट ऑफ फिजिकल वर्क लाइक लेबरर्स एंड स्पोर्ट्स पर्सन, फिजिकल वर्क मतलब जो अपना बॉडी से बहुत सारा काम करना पड़ता है, तो जो जैसे महेंद्र सिंह धोनी, विराट कोहली लोगों को तो बहुत खेलना पड़ता है, उसेन बोल्ट को भागना पड़ता है, तो दे नीड मोर ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी गुड। सो कार्बोहाइड्रेट्स का इमेजेस भी हमारे पास, देखो ये फोटो देख लो, इसमें कितना चीज है, शुगर केन में भी कार्बोहाइड्रेट्स है, राइस में भी है, बाजरा में भी है, मेज में भी है, पोटेटोज में भी है। सो ये सब अपने को पता होना चाहिए कि किसमें कार्बोहाइड्रेट्स है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट न्यूट्रिएंट का चांस आ गया, क्या हम रेडी है नेक्स्ट न्यूट्रिएंट्स के लिए? फैट्स, फैट्स ऑल्सो गिव अस एनर्जी, दे गिव मोर एनर्जी देन कार्बोहाइड्रेट्स। अच्छा जी, कार्बोहाइड्रेट से भी ज्यादा एनर्जी किसमें है? फैट्स में है। बट पता, ज्यादा फैट्स खाओगे तो हम लोग मोटे लगेंगे, फैटी फैटी होगा, सब बोलेंगे यू आर सो फैट। तो फूड्स रिच इन फैट्स आर ऑल्सो कॉल्ड एनर्जी गिविंग फूड, ठीक है। तो जिस फूड में बहुत सारा फैट होता है उसको हम लोग और क्या बोलते हैं? एनर्जी गिविंग फूड। वेजिटेबल ऑयल में फैट होता है, मिल्क में फैट होता है,
बटर में फैट होता है, घी में फैट होता है, चीज़ में फैट होता है, क्रीम में फैट होता है एंड ड्राई फ्रूट्स में भी फैट होते हैं। तो क्या आपको याद रहेगा? देखो हमारे वीडियोस का सबसे कमाल का बात क्या है कि आप जब भी चाहो तो इसको वापस से रिवाइंड करके देख सकते हो, ठीक है, आराम से देखो, मज़े से देखो, टेंशन बिना टेंशन के देखो। आवर बॉडी नीड्स स्मॉल अमाउंट ऑफ फैट्स, ठीक है, छोटा, ज़्यादा नहीं, छोटा अमाउंट का फैट चाहिए। ज़्यादा फैट्स खाओगे तो मोटे हो जाओगे। द एक्सेस फैट, एक्सेस फैट मतलब आपका बॉडी को चाहिए था लेट्स से 10 ग्राम्स, आपने खा लिया 30 ग्राम्स, तो मोटे हो जाओगे। तो द एक्सेस फैट दैट वी ईट गेट्स स्टोर्ड इन द बॉडी, ठीक है, स्टोर्ड इन द बॉडी, इधर मोटा हो गया, इधर मोटा पोटा, ठीक है। इट मेक्स अस ओबीस, ओबीस मतलब मोटा लगता है फैट, और मगर मोटापा से बहुत बीमारी आती है। ओबेसिटी में कॉज डिजीजेस लाइक डायबिटीज एंड हार्ट डिजीजेस। तो बेटे ज़्यादा फैटी चीज़ खाओगे तो मोटे हो जाओगे, और मोटे हो जाओगे तो डिजीज आ जाएगा, डेंजरस डिजीज, डायबिटीज एंड हार्ट का डिजीज। हार्ट का डिजीज आने से आप मर भी सकते हो। तो चलिए देखते हैं सम प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट्स। देखो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि हम लोग जो ह्यूमन बींग्स है, हम लोग ह्यूमन बींग्स प्लांट को भी खाते हैं और हम लोग ह्यूमन बींग्स एनिमल्स को भी खा जाते हैं। कितने कैसे होते हैं हम लोग, क्या करें, अगर हम लोग नहीं खाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे। तो हम लोग प्लांट को खाते हैं, हम लोग एनिमल को खाते हैं, ठीक है। तो प्लांट से हम लोगों को कहाँ हेल्प मिलता है, प्लांट से फैट्स कहाँ कहाँ मिलता है? देखो सनफ्लावर ऑयल, सनफ्लावर प्लांट है, उसका ऑयल, उसके ऑयल में फैट्स होता है। सोयाबीन ऑयल, सोयाबीन इज ऑल्सो अ प्लांट, उसके ऑयल में भी फैट होता है। कोकोनट भी एक फ्रूट है, ठीक है, कोकोनट के अंदर में भी जो ऑयल है उसमें भी फैट होता है। तिल है, ग्राउंड नट्स है, मस्टर्ड ऑयल, दीज आर ऑल प्लांट फैट्स, ठीक है, सम प्लांट सोर्सेज ऑफ फैट्स। दूसरा अगर आप देखोगे तो एनिमल सोर्सेस, मीट जो है एनिमल सोर्स ऑफ फैट है, मिल्क जो है, मिल्क भी एनिमल से आता है, काऊ से आता है या बफेलो से आता है या गोट से आता है, घी भी मिल्क से बनता है, क्रीम भी मिल्क से बनता है, एग्स भी में भी फैट होता है, चीज़ में भी फैट होता है, बटर में भी फैट होता है। सो दीज आर ऑल सोर्सेज ऑफ एनिमल फैट्स। हाँ बताइए। बेटा चीज़ भी जो बनता है ना, चीज़ भी आपका मिल्क से ही बनता है, तो मिल्क तो एनिमल से आता है, तो हो गया। अब अपने बात करेंगे प्रोटीन्स का। तो आर यू रेडी फॉर प्रोटीन्स? प्रोटीन्स, प्रोटीन्स हेल्प अस टू ग्रो। अगर आपको हाइट बढ़ाना है तो बहुत सारा प्रोटीन खाओ। फूड्स रिच इन प्रोटीन्स आर कॉल्ड बॉडी बिल्डिंग फूड्स। अगर आपको बॉडी बनाना है, बॉडी बिल्डिंग करना है, तो प्रोटीन वाला फूड खाना होगा। वी नीड प्रोटीन्स फॉर बिल्डिंग मसल्स एंड रिपेयर ऑफ बॉडी पार्ट्स। अगर आपको चोट लग जाए और आप चाहते हो कि जल्द से जल्द आप ठीक हो जाओ तो प्रोटीन खाओ। प्रोटीन कैसे खाओगे? जिस फूड में प्रोटीन होता है बस वो खाओगे। मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, ठीक है, दूध और दूध के प्रोडक्ट्स में बहुत प्रोटीन होता है। तो पनीर का नाम तो जानते होगे आप लोग, पनीर बटर मसाला खाते हो रेस्टोरेंट में जाके। पनीर एंड चीज़ में बहुत प्रोटीन है, चिकन में प्रोटीन है, फिश में प्रोटीन है, एग्स में प्रोटीन है एंड पल्सेस, पल्सेस में भी प्रोटीन है। यस, पल्सेस मतलब दाल, वेरी गुड। ग्रोइंग चिल्ड्रन, ग्रोइंग चिल्ड्रन मतलब अभी जैसे आप लोग बच्चे हो, 8 इयर्स 9 इयर्स 10 इयर्स के बच्चे हो आप लोग, अब आप लोग ग्रो हो गए, तो ग्रोइंग चिल्ड्रन बढ़ते हुए बच्चों को बहुत सारा प्रोटीन चाहिए होता है, ठीक है। तो आप लोग बहुत प्रोटीन खाओगे तो जल्दी जल्दी बढ़ोगे, हाइट बढ़ जाएगा, ठीक है, मसल आ जाएगा। तो प्रोटीन में क्या क्या है? ग्राम्स, तुअर दाल, पीज, सोयाबीन, मूंग, किडनी बीन्स, ठीक है, तो ये सब याद रखोगे। किडनी बीन्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमारा जो किडनी होता है ना दोस्त, उसके तरह ही दिखता है। वेरी गुड, वेरी गुड। और एनिमल सोर्सेज ऑफ प्रोटीन में देख लो, चीज, एग्स, मीट, फिश, पनीर एंड मिल्क। देखो याद अभी नहीं करना है,
अभी हम लोग सिर्फ फर्स्ट टाइम पढ़ाई कर रहे हैं। फर्स्ट टाइम पढ़ाई करने का मतलब ये नहीं कि याद कर लो बैठ के अभी, ठीक है, सिर्फ देखो समझो एंजॉय करो, ठीक है। जब एक बार और लेक्चर देखोगे तो याद हो जाएगा। अब हम लोग बात करेंगे विटामिन्स का। कुछ कुछ लोग इसे विटामिन्स भी बोलते हैं, ठीक है, विटामिन्स 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 विटामिन्स। एक काम करते हैं, आज हम लोग विटामिन्स नहीं पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अब माथा में कितना घुसाओगे, हाँ बोर हो जाएंगे, तो आज ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं, तो हम लोग आज यहीं तक पढ़ेंगे। विटामिन्स को हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा बस एक बार वापस से रिवाइज कर लें फटाफट, क्विक रिविजन। हमें खाना क्यों चाहिए होता है पहले वो देख लेते हैं एक बार। वाई डू वी नीड फूड? बिकॉज इट गिव्स अस एनर्जी, एनर्जी टू स्टडी प्ले एंड वर्क। फूड हेल्प्स अस टू ग्रो, इट हेल्प्स अस टू स्टे फिट एंड हेल्दी, प्रोटेक्ट अगेंस्ट डिजीजेस, इट हेल्प्स अस टू रिपेयर द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। ओके, अब ये रिविजन जो हम लोग इंग्लिश में कर रहे हैं, अभी आई विल जस्ट स्पीक इन इंग्लिश। ओके, सो हियर वी कैन सी दैट फूड गिव्स अस एनर्जी इन द डायग्राम टू स्टडी टू प्ले टू वर्क टू ग्रो। फूड कंटेन्स वेरी वराइटी ऑफ यूजफुल सब्सटेंसेज एंड दीज यूजफुल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड न्यूट्रेंट्स एंड देर आर फाइव मेन न्यूट्रेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड मिनरल्स एंड देर आर अदर टू मोर कॉम्पोनेंट्स, रफेज एंड वाटर। ओके, सो हियर वी हैव द फूड्स विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, वीट, बाजरा, राइस, शुगर केन, बनानास, मैंगोज, ग्रेप्स, पोटेटोज, मेज। ओके, हियर वी हैव सम फूड्स विच आर रिच इन फैट्स, दीज आर प्लांट बेस्ड एंड हियर दीज आर एनिमल बेस्ड। देन वी कम टू द प्रोटीन एस्पेक्ट ऑफ इट। प्रोटीन मीन्स द बॉडी बिल्डिंग फूड्स। बॉडी बनाना है तो प्रोटीन खाना है। प्रोटीन में क्या क्या है? मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स, तो पनीर, चीज, मीट, फिश, एग्स, और इधर में मूंग, किडनी बीन्स, ग्राम, सोयाबीन, पीज एंड तुअर दाल, उरड़ दाल। चलिए, सो आई होप कि आप लोगों को मज़ा आया है। मज़ा आया, याद रहेगा, भूलोगे तो नहीं, पक्का पक्का। सो जब भी आपको पढ़ाई करना हो, जब भी जब आपका मन हो तभी पढ़ना है। और क्या करना है? जस्ट माई ट्यूटर के पास जाना है। यस, नो मोर फियर व्हेन माई ट्यूटर इज नियर। बाय बाय।